الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغل له ومن يغلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگو عزیز و دوستو اللہ جل شانہ اما نوالہ نے انسان کو دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنا کر اپنی ایک نسبت دے کر اور وہ نسبت ساری اونچی نسبتوں سے نسبت اونچی ہے
जिस निस्बत ने इंसान को दुनिया आखिरत के अंदर इज्जत अता फरमाई, जिस निस्बत की बरकत से इंसान मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए कामयाब करार दिया जाएगा, वह निस्बत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। क़यामत के दिन आमाल पर माफ़ करे या ना करे, लेकिन उम्मीद है निस्बत पर ही काम बन जाएगा। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ईमान की हालत में, बड़ी अजीब बात याद आई, अल्लाह को मानना ईमान नहीं, नबी को मानना ईमान नहीं, कुरान को मानना ईमान नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारा नबी आए और वह नबी आके जो तुम्हें कह दे कि अल्लाह को ऐसे मानो, मुझे ऐसे मानो, किताब को ऐसे मानो, नबी की बात पर अल्लाह को मानना ईमान है भाई। फिर समझना कि इंसान अल्लाह को मान रहा है, अबू जहल भी अल्लाह को मानता था, वो तो ईमान वाला नहीं हुआ। मक्के के काफिर अल्लाह को मानते थे और जितने वो थे कहते थे कि जितने ये फरिश्ते अल्लाह की बेटियां, कभी कहा करते थे ये 360 बूथ है, ये भी अल्लाह के साथ शरीक है, बड़ा काम अल्लाह करता है, छोटे काम इनके जिम्मे अल्लाह लगा देता है। और आज भी हिंदू मत में देख ले, हिंदू मजहब है, वो अगर बुतों की पूजा करते ध्यान उनका ऊपर ही होता है, ऊपर वाले ने पड़ा सामने करे ऊपर वाले ने, वो भी अल्लाह को मानते, सिख भी अल्लाह को मानते, ईसाई भी अल्लाह को मानते, यहूदी भी अल्लाह को मानते। हमने अल्लाह को वैसे मानना जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, आपने बतलाया भी और मानकर दिखलाया भी। हमने अल्लाह और उसके रसूल और सच्ची किताबों को वैसे मानना है जैसे जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मानना अबू लहब ने भी था, मानना अबू जहल ने भी था, ये जहन्नम में चले गए, मानना सिद्दीक ने भी था, ये जन्नत के वारिस बन के गए। जिस मौके पर जिस वक्त में जिस नबी ने जो कह दिया वो करना है बस। अब उसमें ये नहीं देखना कि इसमें खैर है, इसमें ये नहीं देखना इसमें नुकसान है, इसमें ये नहीं देखना कि इसमें दुनिया का कितना फायदा, इसमें ये नहीं देखना दुनिया का, जो नबी ने कह दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने इसी पर तो अमल किया। हम कहते हैं नहीं जी, इसके अंदर शरीयत क्या कहती है, फिका क्या कहती है, मसला क्या कहता है, दीन क्या कहता है, अवाम की राय क्या कहती है, क्या सराई कहते, सारी चीजें अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन सबसे पक्की ठक्की अटल बात जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नबी ने कैसे मानना, उम्मत के सुलहा पर अल्लाह ने इसको खोल दिया और उम्मत के सुलहा ने फिका की तौर पर, हदीस की तशरीह के तौर पर, कुरान की तफसीर के तौर पर उम्मत के सामने ला के रख दिया। अब हमारे और हमारे नबी के दरमियान उम्मत के सुलहा वास्ता बन गए और इन उम्मत के सुलहा ने शागिर्दी हासिल की हजरते सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की। यानी दीन तीसरे वास्ते से हमारे तक आया, सहाबा इकराम पहला वास्ता, उम्मत के सुलहा दूसरा वास्ता, फिर इस वास्ते से चलता चलता दीन हमारे पास आया। अब कोई आदमी इन दोनों को क्रॉस करे और कहे कि मैं जो है वो सीधा डायरेक्ट हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना ताल्लुक जोड़ता हूँ, वो तो वो साहब हो गया कि जीटी रोड और मोटरवे का, मोटरवे से जाएगा शॉर्टकट, ना कहीं पानी मिलेगा ना कहीं चाय मिलेगी, मिलेगी तो इंसान को महंगी मिलेगी। जीटी रोड पे जाएगा अपनी मर्जी का खाना मिलेगा, अपनी मर्जी की चीज़ें मिलेंगी, अगर रोटी नहीं मिली तो फ्रूट मिल गया, फ्रूट नहीं मिले मशरूम मिल गया, जीटी रोड पर मोटरवे पर जो चीज़ मिलेगी वही उसे खानी पड़ेगी। तो भाई अल्लाह ने जो दीन नबी पर उतारा, नबी ने वो दीन सहाबा की झोलियों में ढाला, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अपना सीने का फैज आने वालों के अंदर मुंतकिल कर दिया, आने वालों ने इनको मोटरवे पर जीटी रोड वाली चीजें अता कर दी। जैसे नमाज है, अब अल्लाह का हुक्म आया कि नमाज पढ़ो, अब नमाज के लिए क्या है, रुकू क़याम इतना कुरान करीम में सजदा आया, बाकी करना क्या, ये सारे का सारा उम्मत के उलमाए फुकाहा ने बतलाया। पानी नहीं है तो तयम्मुम कैसे करना है, कुरान ने कह दिया कौन सी मट्टी होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, ये उम्मत के उलमा ने बतलाया। इसी तरीके से मेरे अजीज सफर की हजर की नमाज बतला दी गई, तरीके कार उम्मत के उलमा ने सीना खोल के बतला दिया।
زکوٰۃ کا حکم آیا قرآن میں, زکوٰۃ دو, کتنی دینی, کیسے دینی, کس وقت دینی, کس کس کو دینی, قرآن کریم نے موٹے موٹے لفظ بیان کیے, رحمت دو عالم نے اپنی زبان سے پوری تشریح بیان کر دی, صحابہ نے اسے محفوظ کیا, کریا کریا گاؤں گاؤں جا کر دین کے جھنڈے گاڑ دیے, امت کے علماء صحابہ کے قدموں کے اندر بیٹھ گئے اور دین قیامت کی صبح تک زندہ ہے میرے عزیز. تو ہم نے تو وہ بات ماننی ہے جو نبی علیہ السلام نے امت کو پیغام دے دی کہ یہ کرنے کرنی ہے. اب خیر ہے یہ شر ہے یہ اللہ کا, اللہ جانے اس کا رسول جانے. بھائی انسان وہی کامیاب ہوگا جو اپنے بڑوں کی بات کو مانے گا اور بڑوں کی بات کو لے کے آگے چلے گا. اور جب بڑوں کو کراس کرنا شروع کر دیں گے نہ خدا ملے گا نہ مصطفیٰ ملے گا, تو نوبت یہاں تک بھی آئے گی, مرے گا تو کیا پتا موت ایمان کی حالت میں بھی نہ آئے. میرے بھائی موت آوے کیا پتا ایمان کی حالت میں بھی نہ آوے. تو جو نبی علیہ السلام نے جس طرح کہا کہ اللہ کو ایسے مانو, حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایسے مانو, میں اللہ کا نبی خاتم النبیین, میں رب نے مجھے کہہ دیا. اب اس بات کے اندر کوئی شک ہے ہی کوئی نہیں. صحابہ کا مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا, اس میں شک ہے ہی کوئی نہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کو مانا, اب سارے مکے کے کافر پاگل ہو گئے. انہوں نے کہا یہ مکے کا تاجر ہاتھ سے نکل گیا, چلو اسے سمجھاؤ. اب سارے دوڑے سیدنا صدیق اکبر کے پاس. ابو بکر سیانہ بیانا تھا, کیا ہو گیا؟ آدمی تعلق بڑھاتا ہے اس آدمی سے جس سے کوئی فائدہ ہوتا ہو. جو آدمی اپنی حیثیت کے اندر مالی اعتبار سے کمزور ہو اس سے تعلق کیا بڑھانے. کوئی غریب سے دوستی کرتا ہے بھائی؟ کوئی نہیں کرتا. امیروں کی طرف جائیں گے؟ کوئی فقیر کے لیے کرسی خالی کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. امیر کو یہ آ گیا جیسا چوڑا چمارو آ گیا ہے بیٹھے ہیں. غریب کو کوئی کہے گا آؤ جی آؤ کھانا میری طرف کھائیے؟ امیر کو سارے کہیں گے کبھی ہمیں شرف بخشو آپ, کیونکہ اس کی شباہت سے, اس کے مال سے, اس کے کپڑوں سے, اس کی دولت سے متاثر ہو رہا. اور اللہ اس کے رسول کا حکم ہے تم نے دولت سے متاثر نہیں کرنا, اپنی اندر حضور علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو زندہ کرنا ہے اور تمہارے اندر حضور کے طریقے روشن ہو جائیں چاند کی روشنی, سورج کی روشنی کی طرح. تم نے اس چیز سے امت کو متاثر کرنا. آ جاؤ دین میں داخل ہو, ایوکم مثلی, ہمیں دیکھو چلتا پھرتا دین ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کوئی دین کے لیے کوئی بڑا قاعدہ تھوڑی پڑھایا کرتے تھے. آ جاؤ کولو مثلنا, ہماری طرح ہو جاؤ بھائی, جو ہم کر رہے وہ کرو, یہ دین ہے. اسی لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جو اللہ نے میرے سینے میں دیا وہ سارا تیرے سینے میں اتار دیا, فرق یہ ہے میرے سر پہ تاج نبوت ہے, تیرے سر پہ تاج نبوت کوئی نہیں. جو نبی نے دے دیا وہ لے لیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کا چہرہ دیکھا اور دھاڑ مار کے روئے کہ 90% آج علم دنیا سے اٹھ گیا ہے. میرے بھائیو دوستو بزرگو, جب دین اور دین کی محنت عروج پر تھی تو اللہ ترقیاں بھی اسی طریقے سے عطا فرما رہا تھا, جب دین اور دین کی محنت کمزور ہو گئی تو اللہ جل شانہ نے انہی ترقیوں کے اندر ہمیں ناکام کر دیا اور تھکا تھکا کے اللہ نے ناکام کر دیا. دکان پہ شوق سے جاتا تھا اب جانے کو دل نہیں کر رہا, کاروبار شوق سے کرتا تھا اب کرنے کو دل نہیں کر رہا, ذمہ دارہ شوق سے کرتا تھا اب کرنے کو دل نہیں کر. مولوی جی کسی عالم کا پتہ بتلاؤ, کسی روحانی معالج کا پتہ بتلاؤ, ٹھیک ہے علاج تعویذ دم درود یہ ایک علاج کی حد تک بہتر ہے, اسے فرض سمجھ لینا, اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. جیسے ڈاکٹر سے علاج کراؤ کسی اللہ والے سے کرا لو, جیسے کسی حکیم سے علاج کرا رہے ہو کسی اللہ والے, اگر اسے سمجھ لیں گے کہ یہ دین کا حصہ ہے اس کے بغیر گزارا نہیں, تو اللہ اس قرآن کی لکھائی میں جو گلے میں ڈال ہے اس میں ناکام کر دیں گے, کیونکہ تیرا میری ذات سے یقین ہٹ کر میرے غیر کی طرف آ گئے.
और मौलवी साहब के पास दौड़ने और जा करें जी तावीज़ दे, परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा क्या परेशानी है? कहा जी काम करने को दिल नहीं करता। अरे अल्लाह के बंदे, अब वो भी कह रहे तेरे पर किसी ने करा दिया। भाई किसने कराया इसको बताने से मना किया, किसने कराया पता नहीं, किसने कराया भाई, कराया तेरे पर ज़रूर है। खुदा के बंदे तेरे पर किसी ने कराया नहीं। आए दिन जो अल्लाह के दीन से दूर हो रहा, नबी के तरीकों से को छोड़ रहा, इसकी नहूसत तेरे कारोबार पर भी, इसकी नहूसत तेरी जिंदगी पर, तेरे वजूद पर पड़ रही है कि तुझे हलाल काम करने का भी दिल नहीं कर रहा है। नाप तोल में कमी करना, चीजों के अंदर मिलावट करना, और पता है हाजी साहब को, पता है मौलवी साहब को, पता है अलहाज साहब को कि ये चीज दो नंबर है, लेकिन असल चीज के पीछे 2 रुपए बच रहे और 2 नंबर के पीछे 5 रुपए। लोग क्या कहते हैं, मार्केट है जी, चलना पड़ता है। नहीं भाई, फिर जहन्नम का रास्ता है, चल जाना, चलना पड़ता है। अबू जहल के पीछे चल देना, अबू लहाब के पीछे चल देना, जिन्होंने इस उम्मत के अंदर फसाद पैदा करके इस उम्मत को नुकसान पहुंचाया, उनके पीछे चल देना, कह देना चलना पड़ता है भाई। फिर जाकर बैतुल्ला का खिलाफ पकड़ कर रो के दुआ क्यों मांग रहे हो? हुजूर के रोजे पे जाके सलाम करके माफियां क्यों मांग रहे हो? चलो भाई चलना पड़ता है। आज ताजिर इस चीज का बाइकाट कर दे कि 2 नंबर सौदा दुकान पे नहीं रखूंगा, एक किस्म ए असल है उसके 10 अकसाम है, कितना नुकसान हो रहा। हस्पताल भरे बेड खाली कोई नहीं, मेडिकल स्टोर पे खुदा की कसम इतना रश है जैसे जंग के दिनों पर डीपो पर आटा फ्री मिलता हो। कहां से पैसे आ रहे? एक तरफ तो बच्चों की माश जरिया माश से तंग आकर खुदकुशी कर रहा, एक 4-4 हजार रुपए फीस दे के डॉक्टर को चेक करा रहा, 15-15 हजार के टेस्ट करवा रहा, और इसी तरीके से भाई और जो है वो 800-900-900 रुपए की हफ्ते की, तो अब पैसे कहां से आ गए? अगर इसे कह दे कि अल्लाह का दीन तेरे से कुछ मांग रहा है, कहते तो हम तो मरे पड़े, हमारे पास क्या है जी। अगर आज उसे कह दे वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीअ, जिसने एक जान को बचा दिया, जिसने एक जान को खिला दिया, जिसने एक जान को पहना दिया, जिसने एक जान को जो है अमन दे दिया, उसने सारी इंसानियत को दे दिया, लो हम तो खुद मरे पड़े हैं जी। यार अल्लाह के नाम पर दो, और मैं तो पिछले साल की ज़कात ही कोई नहीं दी, अभी मेरे से वो अदा नहीं हुई, रोटी बंद नहीं हुई, पानी बंद नहीं हुआ है जी, स्प्रे बंद नहीं हुआ, खुशबू बंद नहीं हुई, जूता बंद नहीं हुआ, गर्मी के मलबूसात बंद नहीं हुए, सर्दी के और गर्मी के बंद नहीं हुए, एसी चल रहा बंद नहीं हुआ, हीटर चल रहा बंद नहीं हुआ, सूप चल रहा बंद नहीं हुआ, बकरे का गोश्त चल रहा बंद नहीं हुआ, ये कहता साल हो गया बकरा खाया जी, ज़कात नहीं दे सका। जिन कामों के करने पर शैतान ने आकर दुनिया के फायदे बतलाए और अल्लाह को नाराज करने वाली चीजें बताई, वो सारी कर रहे। अल्लाह को राजी करने वाले करे, हमारे से हो ही नहीं राजी, क्या करें, बहुत परेशान। आएंगी परेशानियां, आएंगे हालात, आएंगे हालात। तबूक का मौका है, सहाबा इकराम की बदहाली पर अल्लाह की तरफ, माली बदहाली पर, ईमानी नहीं, माली बदहाली पर जब खुशहाली आई, खजूरों के खोशे पक गए और खजूरें दरख्तों से झड़ने लगी, हुजूर सलाम ने उठो निकलो, सहाबा की जमात है या रसूलल्लाह अगर चंद दिन बाद कर लें ताकि हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चों के लिए कुछ आ जाए। फरमा यही तो अल्लाह देखना चाहता है, यही तो अल्लाह देखना चाहता है। इल्फिरु खिफाफम वसिफाला, निकल चलो, हल्के हो या बोझल हो, तंग दस्ती में हो या खुशी हो, निकलो अल्लाह के रास्ते में। जब मेरे अजीजों कुर्बानी लगेगी तो कुफर पर चोट लगेगी, ईमान जिंदगियों में आएगा और पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगा। हम कुर्बानी देने के लिए तैयार ही नहीं। दीन फैलेगा कुर्बानियों से, अपने दीन को बचाओ, जितनी कुर्बानियां दी जाएंगी दीन बचेगा भाई। पहली उम्मतों के जिम्मे सिर्फ ईमान लाना था, इस उम्मत के जिम्मे ईमान का लाना भी, इस उम्मत के जिम्मे ईमान का पकाना भी, इस उम्मत के जिम्मे ईमान का बचाना भी, इस उम्मत के जिम्मे ईमान का फैलाना भी। ईमान बनेगा दावत से, जितनी दावत आम होगी अल्लाह उसके रसूल की तरफ लोगों को बुलाएंगे, अमन शांति के फैसले आसमान से आएंगे, रहम के फैसले आएंगे, रहमत वाली चादर तनेगी जितनी ईमान की दावत दी जाएगी।
एक एक के दरवाजे पर जाना और फिर रात को उठकर अल्लाह से अपनी ज़ौफ़ और अपनी कमजोरी, अपनी कमी, अपनी कोताही का अल्लाह से रो रो कर सवाल करना, या अल्लाह मेरे अंदर कमी रह गई, या अल्लाह नबी वाले काम के लिए, या अल्लाह जिस मकसद के लिए तूने पैदा किया था अल्लाह इस मकसद के लिए मुझे कबूल फरमा ले मेरे बच्चों को। अल्लाह हम दुकान वाले तो बन गए, हुकूमत वाले तो बन गए, सरदारी निज़ाम वाले तो बन गए, ठेकेदार तो बन गए, जिम्मेदार बन गए, लेकिन तेरे नबी वाले काम वाले ना बने। अल्लाह ये निस्बत हमें नसीब फरमा दे ताकि हमारी दुनिया भी खैर वाली गुजरे और मरने के बाद कब्र अचर की हमारी अच्छी हो जाए। इस पर उम्मत को लेके आओ, ईमान बनेगा दावत से। आओ यार नमाज पढ़ लें, आओ यार तेरी मेहरबानी ना मेरे भाई। आज मेरा अजीजो ईमान कमजोर है और इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ आप हजरात के सामने, अल्लाह कमी पेशी माफ फरमाए, फरमाए एक जमाना ऐसा आएगा लोग कपड़े उतार कर बदफेली कर रहे होंगे, उन्हें इतना ईमान कमजोर हो जाएगा, इतना भी कहने वाला नहीं होगा भी ओठ में जाके किसी दरख्त के पीछे जाके मुकाला कर ले। आज यही हो रहा है, जितनी फांसी आम है लोग मजे ले लेके दुकानों से नीचे उतर के देखने लग जाते हैं, तालियां बजाने लग जाते हैं, जानवरों के हाल को देखकर लोग मोटरसाइकिल रोक देते हैं, लोगों ईमान हमारे पास कोई नहीं रहा। आज मेरे अजीजों बाप बेटे को दावत नहीं दे रहा नमाज की, बेटी के सर पे दुपट्टा उतरा देख के बाप हंस के दिखा रहा है, मर क्यों नहीं जाता, ईमान की गैरत कहाँ चली गई। अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी बहन की तरफ से निगाह उठा के नहीं देखा है, ऐसा भी मुझे कोई बताओ, ऐसी भी कोई शरीयत का पाबंद बताओ कि अल्लाह अकबर बहन का ही नहीं पता कौन है। और यार ये तो शरीयत के अंदर बैल का चेहरा देखना जायज है ना। चार औरतों के अंदर राय पूरी रहमतुल्लाह अलैह की बहन को बिठा दिया जाता और कहा जाता बहन पहचानो कौन सी है, सर झुकाते का अल्लाह की कसम मुझे पता नहीं लग रहा, जब बहन आवाज देती आवाज से पहचाना करते ये मेरी बहन है। कहां चले गए ऐसे लोग, ऐसे लोगों के कदमों में हाजी अब्दुल वहाब आके बैठ गए। खुदा की कसम आज पूरी दुनिया के अंदर अब्दुल वहाब जिंदाबाद का नारा लग रहा है। अल्लाह वाले की तो एक नजर होती है। हजरत बहावल ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के पास इमाम राजी आए, अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जाओ कोई ऐसी आस्ताना दिखाओ, कोई ऐसा पीर दिखाओ कि इंसान के बैठते दिल की दुनिया नहीं आता तो हम आपको दिखाते हैं। कुछ चले गए कुछ बाकी रह गए। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह आए और यूं करके कलेजे पर हाथ रख लिया। हजरत बहावल ज़करिया मुल्तानी ने फरमाया क्या हो रहा है, कंदर कुछ हो रहा है, फरमाया हाँ हाँ क्यों नहीं होगा, तब्दीली आएगी, अल्लाह वाले की नजर पड़ रही। ये जो अल्लाह वाले दिल पर उंगली रखे अल्लाह अल्लाह करते हैं ना भाई, इतना गंद इतना गर्द जमा हुआ उतरता ही नहीं, वो एक उंगली से कहां जाएगा। इसीलिए जो मजलिस से जिक्र होती है ना जुमे की नमाज के बाद, हम आपको दावत देते हैं क्या हम पागल हैं, खाना पक रहा लोगों को बुला रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ अल्लाह का जिक्र कर लो, इसलिए कि मेरे अजीजों चार दिन गाड़ी जब रोड पे चलती है तो उसे वर्कशॉप पर ले जाया जाता है, उसे धोने के लिए मेरे अजीजों ले जाया जाता है, उसकी ट्यूनिंग के लिए ले जाया जाता है ताकि इसका गर्द उतरे। लाखों की गाड़ी मेरे अजीज हो मट्टी चढ़ जाए चार दिन ना धो, खुदा की कसम लाखों की गाड़ी का डेढ़ मोल कोई नहीं लगाता। जब मेरे अजीज हो नकारा गाड़ी को धो धा के पॉलिश करके सामने ला के खड़ा कर दो, किसी ने लेना भी ना हो पूछता ये कितने की ली है और कितने में बेचनी है, ऐसी मेरे अजीज हो दिल की दुनिया की मिसाल है। आठ दिन बाजारों में रहे, झूठ के माहौल में रहे, बदगुमानी के माहौल में रहे, बदनिगाही के माहौल में रहे, दो दो नंबर चीजें जिनको अल्लाह पकड़ने से, जिनकी तरफ चलने से, जिनकी तरफ देखने से, जिनके बारे में सुनने से अल्लाह नाराज होता है, इन चीजों ने हमारे दिल की दुनिया को मुतासिर कर दिया, क्योंकि ये वजूद या हाथ पैर सब कुछ नकार है, बैटरी दिल की ये चार्ज है इतना सा लोथड़ा। मेरे अजीजों अगर ईमान की रूहानियत से अल्लाह वालों के कदमों से, दीन की निस्बत से, अल्लाह के रास्ते से बैटरी चार्ज रही तो पूरा वजूद इंसान के वो काम करेगा जो अल्लाह चाहे अल्लाह का रसूल चाहेगा। जब इस बैटरी को मेरे अजीजों हमने जंग लगा दिया हरामकारी का झूठ का, मेरे अजीजों इस बैटरी का पानी कम होना शुरू हो गया। इस बैटरी का पानी कैसे कम हुआ, क्या आंसू इंसान का खुश्क हो गया,
रहा, जब आंख की आंसू इंसान का खुश्क हो जाए, दुनिया के नुकसान पे रोने लग जाए, आखिरत के नुकसान पे हंसने लग जाए, समझ लो दिल की बैटरी का पानी कम पड़ गया, इस बैटरी का पानी डलवाने के लिए अस्पताल में नहीं जाया जाएगा, किसी अल्लाह वाले की खानकाह पे जाया जाएगा। और अल्लाह वाला वो तलाश करना पड़ेगा जिसका हर वक्त ध्यान अल्लाह के खजानों पर हो, जिसका कदम भी उठे, जिसकी उंगली भी उठे, जो पानी भी पिए, उसके अंदर इत्तबाए सुन्नत नजर आए कि हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक कर रहा है। जितने ईमान की दावत देंगे यकीन जानो उतना ईमान बनेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, तन्हाई में, जलवत में, खलवत में, अपनों में, पराए में और बाजारों में, दुकान पर बैठे हो और मेरे अजीज़ अखबार पढ़ के वक्त ज़ाया कर रहे हो, मोबाइल देख के पैकेज लगा के वक्त ज़ाया कर रहे हो, कम से कम 25 मरतबा ये कह दिया करो अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता, नबी के तरीकों में खैर है, दुनिया के तरीकों में नाकामी है। ये जितना बोल खुदा की कसम, पानी मुंह के जरिए अंदर जाता है, मनाली के जरिए मैदा वाश हो जाता है, जितना अल्लाह की बड़ाई जुबान पे लाएंगे ये बोल अंदर जाएगा, अल्लाह दिल की दुनिया को उतनी आबाद फरमा देगा। क्या रज है, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में अल्लाह जल्ला शानू ने सारी दुनिया की कामयाबी को रख रखा है। नबी के तरीके से हटे बेड़ा गर्क, और नबी के तरीके पर आगे सारी उम्मत फतह कर लेंगे, सारी दुनिया अल्लाह कदमों में डाल देगा। जुमातुल मुबारक का दिन है मेरे अजीजों, नाराज ना अगली बात कह दूं, नाराज तो नहीं होगे, जुमातुल मुबारक का दिन है, यह मामा सर पे बांध लिया करो, मुस्तकिल सुन्नत है, जुमातुल मुबारक के दिन बांध के आ जाओ, खुदा की कसम अल्लाह के हाँ ये बंदा ऐसा लगता है जैसे दूल्हा बन के बारात लेके जा रहा है। जब दूल्हे को मेरा अजीज हर देख के वाह वाह कहता है, जब ये सुन्नत का लिबादा ओढ़कर खुदा के घर में आएगा, आसमान वाले से देख के वाह वाह कहने लग जाएंगे। सुरमा जुमातुल मुबारक के दिन लगा लिया, सुन्नत तो है रात को लगाया करते थे, जुमे के दिन लगा लिया, ये सलाइया ये सुरमे यूं करके डाल लिया, सुरमा तो डल जाएगा। यहां भी मेरे नबी ने तरीका बतलाया, दाइयां आंख में कितनी मरतबा, बाइयां आंख में कितनी मरतबा सलाई घुमानी है। अगर नबी के तरीके के मुताबिक सुरमा डालोगे, आंख तुम्हारी बंद होगी, खूबसूरत नजर आएगी, नाम अमाल में तुम्हारे सुरमा डालने की बरकत से 100 शहीदों का सवाब लिख दिया जाएगा। लो प्यास लग रही है पानी पीने के लिए, गिलास हाथ में पकड़ा, प्यास लगी है, यूं करके आपने गिलास पकड़ा, डग अडग करके यूं करके पानी पी गए, प्यास तो बुझ जाएगी लेकिन अल्लाह रसूल नाराज हो जाएगा। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ ली, सुनो, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, दाएं हाथ से पकड़ लिया, दो पानी को यूं करके देख लिया, देखने के बाद पहला घूंट पी के अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, फिर दूसरा पिया अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, फिर तीसरा पिया अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, तीन सांसों में पानी पिया, 6 सुन्नतें जिंदा हो गई, गिलास पानी का तेरे अंदर जाएगा, तुझे 600 शहीदों का सवाब बता कर दिया जाएगा एक पानी के गिलास पर। दाएं हाथ से पकड़ के पीना सुन्नत, तीन सांसों में पीना सुन्नत, बैठ के पीना सुन्नत, सर ढांप के पीना सुन्नत, अल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना सुन्नत, पानी को देख के पीना सुन्नत, अपने घर खाना खावे फरमाया, प्लेट हो सालन हो, उसे उंगली से प्लेट को साफ करे चाट जावे, किसी के घर खाना खावे फरमाया, अपने घर डोंगे के डोंगे खाली कर दे, किसी के घर खाना खाए फरमाया, रोटी तो पेट भर के खा लेकिन शोरबा पीने की इजाजत नहीं, क्या पता तेरे शोरबा पीने से उसके डोंगे में उसकी हंडिया में कमी आ जाए, ये भी नबी का तरीका जिंदा हो जाएगा। रात को तो सोएंगे, अगर पहला सोना दाई करवट से सो जाएगा यकीन जान फिर उल्टा लेट सीधा लेट तेरी मर्जी, सारी रात खुदा की रहमत की बरसात तेरी चरपाई पर होती रहेगी। कपड़ा पहनने लगे, दाया बाजू पहले आस्तीन के अंदर डाला, फिर गले के अंदर ये मेरे अजीजो कुर्ता, फिर बायां बाजू डाला, ये सुन्नत हो गई, तुझे सुन्नत का सवाब मिल गया, कुर्ता तूने पहना 100 शहीदों का सवाब। जब उतारने लगा पहले बायां बाजू, फिर सर से उतारा, फिर दाएं बाजू से उतारा, फिर 100 शहीदों का सवाब मिल गया। शलवार पहनने लगा, बैठ के शलवार पहन, फिर खड़ा होकर अपना जार बंद कर ले, 100 शहीदों का सवाब मिल गया। तहमत बांध लिया करो, नहीं बांध नहीं आती,
ओ लोगों ट्राउजर पहनना आता है, हाईनेक पहननी आती है मेरे अजीजों, हाफ निकर पहननी आती है, तहमत भी तो सुन्नत समझ के बांध लो। ये मुस्तकिल अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। हाथ के अंदर असा पकड़ लो, हर कदम पर अल्लाह एक सुन्नत समझ कर हर कदम चलोगे, यूं करके लाठी जमीन पर टेकोगे, हर कदम के ऊपर अल्लाह 1000 नेकियां अता फरमाएगा। जुमे के दिन हाथ में लेके पकड़ लो, चल चल लो खुदा के घर में आओ। ये बूढ़ों की भी अजीज नहीं है, मेरे नबी की सुन्नत है, इसे हाथ में लेके चलो सुन्नत है। अल्लाहु अकबर, बाथरूम में जाओ, हमारी बेटियां सर पे दुपट्टा उतार देती हैं, आओ सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो। फरमाया जब लैट्रीन में जाया करो, सर पे टोपी रख के जाया करो। ईमानदार इसे बताओ, पीर महल के गयूर मुसलमान हो, जो नंगा सर अल्लाह बाथरूम में बर्दाश्त नहीं करता, नमाज की हालत में नंगा सर कैसे बर्दाश्त करेगा? बाकी मसला तुम्हारा है, मैं इसमें बहस में नहीं पढ़ना चाहता। नमाज तो बगैर कपड़ों की भी हो जाती है, तुम टोपी छोड़ो। लोग कहते दिखाओ मसला, लोग कहते दिखाओ फिका कि टोपी लेना कहा सुन्नत है, बगैर टोपी के नमाज होती है। मैं कहता हूं दिखा, जब तल के ऊपर कपड़ा ना हो, नमाज छोड़ने का हुक्म है कि पढ़ने का? नबी का साहबी नमाज पढ़ रहा है, कितनी नजर पड़ी, फरमाया तो क्या बात है, बैठ के नमाज पढ़ रहा है, टांगों की जान कहाँ चली गई, बैठ के नमाज पढ़ रहा है, बीमार है, बैठ के नमाज पढ़ रहा है, क्या बात है। कहने लगे देखता नहीं, मेरे पास कुर्ता नहीं, मेरे पास कपड़ा भी इतना नहीं, पूरा सतर छुपा सकूं, मैं बैठ के नमाज पढ़ के थोड़ा सा रुकू करके रुकू की हालत में सजदा करता हूँ। मैं सजदा इसलिए नहीं करता, सजदे में जाऊँगा मेरा सतर जाहिर हो जाएगा। अल्लाह ये तो बर्दाश्त कर सकता है, नमाज कजा हो जाए, अल्लाह ये बर्दाश्त नहीं करता। मेरे अजीजों, जब कपड़े पास ना हो, खुदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, अल्लाह नबा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो चार चार चादरें हीटर के आगे, जराबे पहन के, स्वेटर पहन के, जर्सियां पहन के नमाज छोड़ है, बताओ उसके साथ क्या बनेगा? एक आदमी था, यकीन जानो, अल्लाहु अकबर, मेरे पास क्लिप मौजूद है, हवाले के साथ अर्ज करूंगा, गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करूंगा। जैसे जमात वाले चले गए, हर कोई कहता जाओ जी काफिरों ने कुल कुल जाके तबलीग करो, छेकी लैन तुसी आ गए, असी ते मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह असके रसूल हैं, जाओ काफिरों के पास, ओ यार नमाज पढ़ ले, ओ देखी जाओ पढ़ लूंगा, ओ यार तो अपनी गल्ला कर, मेनू ना तंग करे कर, मैं पढ़नी हुई पढ़ लूंगा, नहीं पढ़ी ना पढ़ी, इसलिए लोग बात करते। ठट्ठे के इलाके में मेरे अजीजों एक इलाका है, अल्लाहु अकबर, जो यूं का करता था, अप टू डेट था, पढ़ा लिखा था, यूं का करता था, तुमने अपनी कब्र में जाना, मैंने अपनी कब्र में जाना, पढ़ लूंगा देखी जाएगी। मरने से 3 दिन पहले बीमार हुआ, डॉक्टर ने आके देखा, अपना सामान ही छोड़ के भाग गया, मोहल्ले वाले मोहल्ला छोड़ के बाहर निकल आए, आबादी वाले बाहर आ गए, चीखो पुकार शुरू हो गई, लोगों ने कहा क्या मामला हुआ? पता लगा जो यूं का करता था मैं अपनी कब्र में जाऊँगा, तुम अपनी कब्र में जाइयो, जो यूं कहा करता था यार देखी जाओगी जो कुछ होगा। फरमाया 3 दिन हो गए उसके मुंह से पखाना निकल रहा है, खबरदार अंडा नहीं कहना, नाराज ना होना, मैंने खबरदार, मेरी उम्र में छोटे बैठे हो या कुछ बड़े, मैंने कहा अदब करता हूं, मैं अब अदब से कहता हूं, कोई आपको नेकी की दावत देकर इंशाल्लाह जरूर करूंगा भाई, जरूर करूंगा, मुझे आप मेरे इस्तकामत की दुआ की। 3 दिन के बाद इंतकाल हो गया, जैसे कैसे गुसल दिया, कफन पहनाया, जनाजा लेके जाने लगा, पता नहीं कहां कहां से कुत्ते जनाजे में आके शामिल हो गए, मार भगाया कुत्ते भागे कोई नहीं, दाएं बाएं हो गए, लोगों ने कहा जल्दी करो जनाजा पढ़ के कब्र में उतारो, जनाजा पढ़ के कब्र में उतारने लगे, उधर मैयत के लिए हाथ उठा कर दुआ करने लगे, फिर कुत्तों की बुछाड़ आई, कब्र के ऊपर आके बैठ गई। एक अल्लाह वाला मुत्तकी था, मुफ्ती अब्दुल लतीफ ठटवी के पास गया और जाके कहने लगा अल्लाह वाले फतवा लिख के दे, देख क्या हो रहा है। उन्हें कहा हुआ क्या? कहा खुदा के बंदे बड़ी परेशानी बनी हुई है। अल्लाहु अकबर, ये सारा माजरा सुनाया। आपने फरमाया फतवा लिख के देता हूं, कब्र कुशाई करो, अल्लाह कुछ दिखाना चाहता है। था मुतलका थाने के अंदर गए, उन्होंने कहा हम हाथ नहीं डालते, अखबारी प्रेस वालों को बुला, उन्हें बुलाया गया, इलाके के मौजिदीन को बुलाया, ये तो कुत्ते चीर फाड़ कर देंगे मैयत को, जल्दी जाओ। गाड़ी पुलिस की मोबाइल भी गई, सहाफी भी गए, दूसरे लोग भी गए, जाके मेरे अजीजों पुलिस इंतजामिया की इजाजत से कब्र कुशाई की गई, कब्र से मट्टी हटाई की गई। जिसने कब्र के अंदर देखा वही बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। क्या नजर आया? कफन तो नजर आया, मरने वाला नजर नहीं आ रहा था, गले में जंजीर पड़ी हुई थी और कफन के अंदर खिंजीर लेटा हुआ था। अल्लाह,
है अंदाजा कोई? अल्लाह दुनिया के अंदर दिखा रहे हैं। मर साहब इस तरह हो सकता है? उलाइका कलानाम बल हुम अगल, जो नमाज नहीं पढ़ता मेरे नजदीक कुत्ते और खिंजीर से बदतर है। एक अल्लाह वाले ने तो ऐसा कलेजे पे छुरा चलाया, कह लगा ओ लोगो, अगर आदमी को नमाज के सजदे की तौफीक मिली, कोई सर उठा के सजदा कर रहा, कोई सर झुका के, ऊंट सर उठा के सजदा कर रहा, पता है क्या कहता है? अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ऊंट बनाया, बकरी नहीं बनाया। बकरी कहती अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे बकरी बनाया, कुत्ता नहीं बनाया। कुत्ता कहता अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे कुत्ता बनाया, खिंजीर नहीं बनाया। खिंजीर कहता अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे खिंजीर बनाया, बेनमाजी नहीं बनाया। सारे छोड़ी बैठे पढ़ने, अहमियत ही कोई नहीं, एहसास ही कोई नहीं। कौन जुराबे उतारे, कौन हाथ पैर ठंडे करे, मस्जिद में गीजर लगाओ जी। हाय साहबा इकराम के मेरे अजीजो हाल देखो, हुजूर अलैहि सलाम की खिदमत में आके बैठ गए, कह यार सुल्ला हमारी बस हो गई, अल्लाह बस हो गई, पेट पे पत्थर खाले कमली वाले अब छिलना शुरू हो गई, मांस जिस्म से उतरना शुरू हो गया। अल्लाह गजबे में जा रहे हैं, किसी साहबी के पैर में जुत्ती कोई नहीं, पैर फटने लगे, नुकीले पत्थर चुभने लगे, और उन्होंने अपने कुर्ते के दामन फाड़ कर अपने पैरों को बांध लिया। जातुर रिका, उसी गजबे का नाम, यानी चीथड़ वाला गजबा पड़ गया, वही पहन के जा रहे। शेबे बी तालिब की घाटी 3.5 साल की अम्मा खदीजा, जिनको सैयद आयशा रजी अल्लाह तआला ने कहा था हुजूर रो रहे हैं। हजरत आयशा कहने लगी क्यों रोए? आपने फरमाया मुझे खदीजा याद आ रही है। कहने लगी वही बकरी वाली, अल्लाह वही बकरी वाली। 19 ऊंट जिसके घर में बंधे हुए और सोने से जेवर से आरास्ता है। हुजूर अलैहि सलाम ने खदीजा को देखा, फरमाया खदीजा तेरा मेरा निभा नहीं हो सकता, तू जोड़ने वाली, अल्लाह ने मुझे खर्च करने वाला बनाया, कैसे जिंदगी गुजरेगी? तू जोड़ने रही है, मुझे अल्लाह ने खर्च करने वाला। हुजूर के चेहरे को देखा, हाय हाय, आपने फरमाया वाह खदीजा तू दुपट्टे को नहीं देखा करती थी, मैं मोहम्मद के जख्मों को देखा करती थी। लाओ ऐसी बीवी घर से, जो दुपट्टे को फाड़ कर चेहरे को साफ किया करती। हुजूर फिर फरमाए आप 19 ऊंट ये दरवाजे पे अभी बंधे हुए, जेवर से आरास्ता, खदीजा किस तरह जिंदगी गुजरेगी? का सरकार एक मिनट, कानों की तरफ, हाथों की तरफ, उंगलियों की तरफ हाथ डाला, गले की तरफ जो सोना था उतार उतार के हुजूर के कदमों में रखती रही। फिर 19 ऊंट जहां बंधे हुए थे, कहले कमली वाले तो आज खदीजा तुझे इख्तियार देती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसने दुल्हन बना के मुझे तेरे घर में भेजा और दूल्हा बना के तुझे मेरे घर में भेजा, आज के बाद तेरे हाथ पर खदीजा सारे का सारा अल्लाह के रस्ते में दे रही है। कमली वाले आज के बाद खदीजा तुझे रोटी के टुकड़े का भी तेरे से सवाल नहीं करेगी। दिखाओ ऐसे घराने, बीवी अलहदा काम कर रही, मर्द अलहदा काम कर रहे, बच्चे अलहदा काम कर रहे, मुलाजिम अलहदा काम कर रहे, फिर भी पूरी नहीं पड़ रही। उसकी वजह यह कि अल्लाह से रिजक मांग रहे, रिजक में बरकत नहीं मांग रहे। अल्लाह से दौलत मांग रहे, दौलत में बरकत नहीं मांग रहे। अल्लाह से बरकत मांगो, थोड़ा दे, थोड़े पर अल्लाह बरकत अता फरमा, बरकत तो उसने देनी है, और उस थोड़े में बरकत दे, उस बरकत में सुकून अता फरमा दे, मिलने पर उस मिलने पे अल्लाह सुकून अता फरमा दे। हर बात पर तो खुदा का शिकवा हो, जिसके घर के अंदर बेटियां हैं शिकवा ही शिकवा, मर गए तबाही फिर गया, आए की करांगा, 4 ने 5 ने फंस गया। बेटी पता क्या है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हरम पाक में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अबू जहल ने हुजूर को सजदे में देखा, कहने लगा ओ पहाड़ी के दामन में ऊंट जीबा हो रहा है, उसका ताजा ओज, उसकी ओजड़ी गंध भरी, अभी अभी किसी ने निकाल के रखी, कोई है मेरे कलेजा ठंडा करे, इस ओजड़ी को उठाए और हुजूर के सर के ऊपर डाल दे। रुकबा भी रबी मुहित और एक दो और काफिर मुशरिक गए और दोनों हाथों से ओजड़ी ला के हुजूर के ऊपर डाल दी, दब गए ओजड़ी के नीचे। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह
छोटा सा कद, आदमी बैठा होता ये खड़े होते बराबर हुआ करता, पतली सिल की टांगे, इलम का पहाड़, पतली सी टांगे। इन्होंने यूं करके हुजूर अलैहि सलाम को देखा, अपने हाथों से पूरी जान लगाई, ओजड़ी खेची खेची ना गई। अब्दुल्ला बिन मसूद फौरन दौड़े और जाकर दरवाजा बजाया दरे नबूवत का। अम्मा फातमाई, अब्बा चाचा क्या बात है, कह तेरे बाप पर ऊंट की ओजड़ी डाली, जितनी हिम्मत थी खेचा खेची नहीं गई। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के कहने पे अम्मा पर्दा करके आई और अब्दुल्ला बिन मसूद कहते इधर से मैंने ओज पकड़ा, इधर से हजरत फातमा ने खेच कूद के हुजूर अलैहि सलाम के ऊपर से वो ओजड़ी उतारी, हुजूर के जिस्म को साफ किया। अब अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैं देने देखा सैयदा फातिमा बैतुल्ला के पास गई और कमर यूं करके लगा ली और आसमान की तरफ यूं हाथ उठाए कि अर्श वाले जिसने मेरे बाप पर ऊंट का ओज डाला एक एक को तबाह कर दे। रहमत वाले नबी ने देखा सैयदा के मुंह पर हाथ रखा, फरमाया ना बेटी बद्दुआ ना कर, जहमत नहीं रहमत बन के आया। फरमाओ लोगो, ओ लोगो, बेटियों से दुआ करवाना बद्दुआ ना करवाना। जब बेटियां यूं करके हाथ उठाती हैं अल्लाह पाक उनके हाथों को खाली वापिस नहीं लौटाता। तुम्हें क्या पता बेटियों का मकाम क्या, पर मैं बेटियों को नतंग करना और इनके हाथ खैर के लिए उठवाना, इनके हाथ किसी उसके लिए ना उठा देना। और उन्होंने फरमाया ना बेटी ना, तूने हाथ उठा दिए बेड़ा गर्क हो जाएगा। काबा आज तेरे पे उठ का और डाला, मेरा कलेजा छल्ली कर दिया। अल्लाह की कसम सैयदा ने जिन जिन का नाम लेके बद्दुआ की थी अल्लाह ने सबको एक एक करके बदर के मैदान में हलाक कर दिया, कुएं में फेंका अल्लाह ने। बेटी पैदा हो जन्नत का एक दरवाजा, दूसरी पैदा हो दूसरा दरवाजा, तीसरी पैदा हो जन्नत का तीसरा दरवाजा। हो लोगों हमें क्या हो गया, बेटी मांग लो अल्लाह से, अल्लाह देवे और नसीबों वाली देवे, आलमा दे, हाफजा दे, मुत्तकी दे, परहेजगार। एक बेटी ने जो सजदा खुदा को करके दिखा दिया और दो आंसू आंख में लाके दिखा दिए, पूरे कुनबे की बख्शिश का जरिया बन जाएगी। हाँ कमली वाले वो बकरी वाली फिर तुझे याद आ गई, आपने फरमाया शेबे भी तालिब की घाटी में जब तीसरा साल था तंग आ गए, परेशानियां चमड़े उदड़ गए, मैं खदीजा के पास गया, पता नहीं हलाल पता नहीं हराम, चमड़ा सूखा हुआ था, खदीजा पानी के प्याले में उस चमड़े को डुबो के चूस रही थी। हुजूर ने फरमाया मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने कहा खदीजा क्या कर रही हो, कहा अब भूख बर्दाश्त नहीं होती, चमड़ा भिगो के चूस रही हूं। हुजूर अलैहि सलाम ने यूं उठ के देखा, चारों बेटियां यूं सर झुकाए हुए बैठी है, इनको क्या हुआ, कहा पांच दिन हो गए रोटी का टुकड़ा इनके मुंह में नहीं गया। हुजूर अलैहि सलाम ने पत्ते इकट्ठे किए, खदीजा की झोली में डाला, फरमाया पत्थर के ऊपर रखकर पत्थर रगड़ दे और इसको सुफूफ सा बना के ये फक्की ये सुफूफ मेरी बच्चियों को चटा दे और पानी पिलाओ, का पढ़ो खुदा का कुरान रहमत आएगी। मेरी बच्चियों तुम्हारी ये हालत तो बर्दाश्त कर सकता हूं, कुरान तुम्हारे घर से छूट जाए मोहम्मद बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहा है कुरान, मुझे ईमानदारी से बताओ, ना मस्जिदों में ना दुकानों में ना मोहल्लों में, ओ लोगों इसी चीज की तो दावत दी जा रही है, इसी चीज के बारे में इज्तमा हो रहे हैं, चिल्ले चार महीने के लिए मुल्कों के लिए अल्लाह के रास्ते में निकाला जा रहा है। आ जाओ लोगो गफलत भरी जिंदगी से निकलो, ये कोई देवबंदियों की जमात नहीं, अहले हदीसों की जमात नहीं, ये गुस्ताखे रसूलों की जमात नहीं। जो तहज्जुद गुजार हो वो गुस्ताखे रसूल, जो मेरे अजीज हो शरीयत के पाबंद हो गुस्ताखे रसूल, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखे गुस्ताखे रसूल कैसे हो सकते हैं। ओ अजीज हो ये तो नबी ने भी मना फरमा दिया, किसी चीज को परखने से पहले समझने से पहले तहकीक से पहले उंगली उठाई नहीं जाती। तुम सिर्फ चार महीने नहीं तीन दिन लगा के देखो, अगर सुन्नत के खिलाफ काम आए हम तुम्हारे साथ खड़े होकर इस काम को बंद कराएंगे, अगर सुन्नत के मुताबिक तुम्हें काम नजर आए तो फिर खुद भी निकलो अपने घर वालों को निकालो और सारी उम्मत के निकलने की फिक्र करो। करोगे इंशाल्लाह कोशिश की मेरे अजीज।
ईमान बनेगा दावत से, जितनी दावत ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह से होता है, कह दो अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। हर मोहम्मद के तरीकों में सारे जहानों की कामयाबी, यही आवाज पूरी दुनिया के अंदर लगा दो। इस वक्त माल की कमी नहीं, इस वक्त औलाद की कमी नहीं, इस वक्त बैंक बैलेंस की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, मादनियात की कमी नहीं, इस वक्त सिर्फ इसी चीज की कमी है कि लोगों का यकीन अल्लाह से हट गया, नबी के तरीकों को छोड़कर दुनिया के तरीकों पर लोग चलने लग गए, तरह तरह की नाकामियां आसमान से आ रही हैं। अपने दिमाग को, अपने दिल को साफ करने के लिए आओ जुमे की नमाज के बाद बैठना, देखना अल्लाह का जिक्र करते तुम्हें कितना सुरूर आएगा। डायरेक्ट आधा पौना घंटा कनेक्शन रब्ता अल्लाह से टेलीफोन पे रहेगा। कैसे? कारी साहब बैठे में को, कारी साहब अगर दूर होंगे मेरी आवाज इन तक नहीं आएगी, तो यूं करके इशारा करेंगे और करीब आके कहेंगे जी क्या बात है। अगर दुनियादार मेरे अजीजो आवाज पे कहता है क्या बात है दुनिया बनाने वाला, जितनी मरतबा करेंगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो कहेगा बंदा बंदा बंदा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जी मेरा बंदा, जी मेरा बंदा, जी मेरा बंदा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा कोई शक नहीं, इल्लल्लाह कहेगा कोई शक नहीं। जब बतला दिया मैं अंदर से भी तेरा, मैं बाहर से भी तेरा, मैं मन में भी तेरा, मैं हर हाल में तेरा, घर में भी तेरा, बाजार में भी तेरा, मस्जिद में भी तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, माल नहीं, औलाद नहीं, खानदान नहीं, कुनबा नहीं, बरादरी नहीं, बीवी बच्चे नहीं, दोस्त यार नहीं, वोटर नहीं, सपोर्टर नहीं, मिनिस्ट्री नहीं, कुर्सी नहीं, पैसा नहीं, दौलत नहीं, खुशियां नहीं, गम नहीं, तू ही तू, ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ नहीं मगर तू है। अल्लाह फरमाएंगे जब दिल साफ करके आ गया फिर इस दिल के अंदर दुनिया नहीं आएगी, मेरी रहमत आएगी। अब तू जासमील पे कह दे अल्लाह, मैं आसमान पे कहूंगा जी मेरा बंदा। जब तू कहता रहेगा अल्लाह अल्लाह, मैं समझूंगा तुझे कपड़े की जरूरत है, मुझे पता है तुझे माल की जरूरत है, मुझे पता है तुझे औलाद की जरूरत है, मुझे पता है तुझे मकान की जरूरत है, मुझे पता तुझे खेती बाड़ी में बरकत की जरूरत है, मुझे पता कर्जे उतारने के लिए पैसे की जरूरत है। अल्लाह अल्लाह करना तेरा काम है, दुनिया आखरत को ते सवार देना मैं खुदा का काम है। चलते फिरते उठते बैठते और अल्लाह वालों की नजर क्या होती है, अल्लाहु अकबर, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहु सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के पास आए इमाम राज़ी और यूं करके देखा हजरत कुछ हो रहा है, आपने फरमाया वो तो होगा, निगाह वली की वो तासीर देखी, होगा। दुआ दी, उठ के चले गए, अरसा गुजर गया, अरसा। बहावल हक ज़करिया, अल्लाह अपने बंदों पर हाल खोल देता है जब ये इसका कनेक्शन रवाबित अल्लाह से हो जाए। यार होता है ना, एक दुकानदार घर में बैठा, एक मार्केट के अंदर बैठा, तो किसी को पता नहीं लगा, फौरन नंबर मिलाया मार्केट वाले ने और ये हो गया और इसका इलाज ये कर लो। अल्लाह को भी पता है, अल्लाह फौरन फिर दिल पे हाल खोलता है, ये रास्ता इधर नहीं चलना, इधर चल, इधर नाकामी इधर खैर है, ये काम ऐसे नहीं करना। अल्लाह ख्वाब में कभी आके खुद बता देते हैं, कभी अपने नबी के जरिए बतला देते हैं, कभी नेक अल्लाह वालों के जरिए बतला देते हैं। भावल ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह वुजू कर रहे, हाथ धोते जा रहे, एक लोटा पानी का डाला, हाथ पूरा खत्म हो गया, हाथ धो रहे, दूसरा लोटा पानी का डाला, हाथ धो रहे और निगाह यूं, तीसरा लोटा पानी का डाला, खादिम परेशान हो गया, एक लोटे में पूरा वुजू करता था, तीन लोटे में हाथ नहीं धुले। भावलक ज़करिया मुल्तानी गुस्से में आए और यूं कहा, बगैर दलील के अल्लाह को मान। खादिम से लोटा छूट गया, हजरत हजरत क्या हुआ, का अल्हम्दुलिल्लाह खात्मा ईमान पर हो गया,
خادم اور پریشان ہوا، حضرت کیا ہوا؟ کہ میرے پاس ایک اللہ والا آیا تھا، ایک فقیر آیا تھا، اس نے میرے سے دعا کرائی، میں نے دعا کر دی، اس کا ربط اللہ کے ساتھ جڑ گیا۔ فرمایا اس کی موت کا وقت آ رہا تھا، شیطان اسے بہکا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اللہ نہیں، وہ دلیل سے کہہ رہا تھا اللہ ہے، زمین دیکھ اللہ ہے، آسمان دیکھ اللہ ہے۔ شیطان کی کوشش تھی اس سے مرتے وقت ایمان چھین لے، کلمہ چھین لے، یہ تو اللہ نے میری نسبت کی برکت سے میرے پر اس کا حال کھول دیا، اس پر اللہ نے میرے پہ کرم کیا، اللہ نے اسے اس کو مجھے دکھا دیا۔ استاد ہے پیر مرید سے، استاد شاگرد کو، باپ بیٹے کو سمجھا سکتا ہے۔ فرمایا جب اللہ نے مجھے دکھایا، میں نے شیطان کی امام راضی کی بحث سنی، وہ کہہ رہا تھا اللہ نہیں، یہ کہہ رہا تھا اللہ ہے۔ میں نے کہا جلدی کر، روح نکلنے والا، ایمان کے بغیر خاتمہ نہ ہو جائے۔ کہہ دے اللہ کو دلیل کے ساتھ نہیں مانتا، اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ فرمایا جب اس نے کہہ دیا کہ اللہ کو بغیر دلیل سے ماننا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، کلمہ پڑھتا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ربط رکھو اللہ والے کے ساتھ۔ دکان پر جتنا وقت لگاؤ گے، نماز میں بھی دکان، کاروبار میں بھی دکان، تبلیغ میں بھی دکان، جہاد میں بھی دکان، سجدوں میں بھی دکان، جب اللہ و اللہ کی ضربے لگاؤ گے تو دل کرے گا ہائے کس وقت نماز ہو، میں ٹھنڈا پانی نہیں دیکھوں گا، میں گرم پانی نہیں دیکھوں گا، جلدی 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 خدا کے گھر میں جاؤں گا، اللہ کو راضی کروں گا، سجدہ کروں گا۔ یہ ایمان کب بنے گا؟ جتنی دعوت دیں گے۔ ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدوں سے۔ راتوں کو 15 منٹ کے لیے اٹھ جاؤ بس، ارے 7 بجے عشاء کی نماز ہوئی اور 7:30 گھر چلے گئے، یہ میں بڑی لمبی بات کر رہا ہوں، 7:10 7:15 کے درمیان گھر چلے گئے، 8:30 8 بجے بستر میں لیٹ گئے، 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 10 گھنٹے کے بعد، پھر 6:20 پر، 10 گھنٹے 20 منٹ میں۔ اب بھی دیکھو جب صبح اٹھتا ہے کہتا کمر درد ہے، کڑل پہ گیا، ٹانگوں میں درد ہے، پیروں میں درد ہے، کیوں؟ تو نے اللہ سے نیند مانگی، نیند میں سکون نہیں مانگا بھائی۔ اور سکون کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ 5 گھنٹے کا نہیں، 1 سیکنڈ کا بس۔ یہ اللہ کی طرف سے آنکھوں میں سکینہ نازل ہوتی ہے 1 منٹ کے لیے، 1 سے بھی آدھے منٹ، 1 جھٹکا۔ یہ صحابہ اکرام احد کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، زخمی، دوبارہ حملہ، گرے، زخموں کی تاب میں کھڑے، ثم انزل السکینہ، اللہ نے یوں نیند کا جھٹکا، یوں کر گرنے، کھڑے یوں کر کے جھٹکے کھا رہے، اللہ کی طرف سکینہ نازل ہو رہی ہے۔ پھر جب دوبارہ نکلے تلوار لے کے میدان میں، وہ 1-3 ہزار کے لشکر کو گاجر ملی کی طرح بھگا دیا۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، جنہوں نے اللہ سے نیند نہیں مانگی، نیند میں سکون مانگا۔ میرے عزیز، مال مانگ رہے، مال میں سکون نہیں مانگ رہے، اولاد مانگ رہے، اولاد میں سکون نہیں مانگ رہے، او کروڑوں روپے کا مکان بنایا، اس میں سکون ہی نہیں مانگا، اس کے اندر اے سی مانگ لیا، اس کے اندر گیزر مانگ لیا، جنیوٹ کا فرنیچر مانگ لیا، اس مکان میں سکون نہیں مانگا۔ حدیث پاک میں آئے، علماء اکرام نے فرمایا جب نیا مکان بناؤ تو ہر کمرے کے اندر دسترخوان بچھاؤ، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ، جتنی اللہ کی مخلوق کمروں میں بیٹھ کے کھانا کھا کے جائے گی، یقین جانو خالی پلیٹوں کے اندر خدا کی رحمت اور خدا کی برکتیں آ جائیں گی، گھر بھر دے گا اللہ۔ یہاں تو الحمدللہ اتنی سمجھدار عقل مند قوم ہے، مکان بنائے گی تو گھوڑے کا کھر لگا دے گی، نظر نہ لگے، اللہ اکبر، ہڈی رکھ دیں گے، جھاڑو لٹکا دیں گے۔ یار یہ آپ کا ذہن تسلیم، میں کیا کر، عجیب، یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر پوزیشن ہولڈر ہیں، 40-40 لاکھ، گاڑی لی، بیوی کا پراندہ پیچھے لگا دیا، نظر نہ لگ جائے۔ اگر گاڑی کو پراندہ لٹکانے سے نظر نہیں لگتی تو تیری گھر والی کے تو 2-2 پراندے، الماری میں 100-100 پراندے، اس کو کس کی نظر لگ گئی، اس نے حافظ قرآن پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں، لٹکا پردے، بیٹے کے اوپر پراندہ باندھ دے کہ نظر نہ لگ جائے۔ خدا کی قسم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بس یہ پڑھ کے پھونک مار دو، نہ نظر رہے گی، نہ نظر والا رہے گا، با ختم ہو جائے گا سارا کام۔
लेकिन इतना कौन पढ़े जो घोड़ी घोड़े की खुरी से काम चलता हो चलेगा। बस मुख्तसिर, ईमान बनेगा दावत से, जितनी दावत, ईमान पकेगा मुजाहिदे से, जितना मुजाहिदा, जितने हालात, जितनी तकलीफ आएगी बर्दाश्त करेंगे। जब सहाबा आए ना हुजूर के पास, या रसूलल्लाह बस हो गई, आपने फरमाया क्या हुआ, कहा और इम्तहान नहीं दे सकते। नबूवत के चेहरे पर घबराहट आई, फरमाया तुम्हें किसने कह दिया तुम इम्तहान देने के काबिल हो, क्या तुम्हारे आरों से सर फाड़ चीर दिए गए, क्या तुम्हारी लोहे की कंगियों से खालें उतार दी गई, क्या तुम्हारे बच्चों को तेल के कड़ाहों में डाल दिया गया। सहाबा के टप 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 आंसू गिर रहे, कहा अल्लाह ने अभी तो इम्तहान लिया ही नहीं, अल्लाह ने तो इम्तहान उनसे लिया था। वस्समाई जातिल बुरूज वल यौमिल मरूद वशाहिदिन वमशहूद, जिन्हें तेल के कड़ाहों में उनके बच्चों के बच्चों उनकी माओ के सामने गिराया जा रहा था, जो बच्चा तेल के अंदर गिर रहा था कह रहा था अम्मा ये ना देख के जिस्म गल रहा है, हमारी आंख से देख, हम कोयलों में नहीं जा रहे, तेल में नहीं जा रहे, बल्कि जन्नत के बागों के अंदर जा रहे हैं। जितनी कुर्बानी आएगी, ईमान बनेगा दावत से, ईमान पकेगा मुजाहिदे से, मेरे अजीजो ईमान फैलेगा कुर्बानियों से, और इसी तरीके से ईमान बचेगा हिजरत से। अपना ईमान बचाओ, सारी इंसानियत के ईमान की फिक्र करो। खुदा की कसम, दुकान वाले बाद में, मकान वाले बाद में, जिम्मेदारे वाले बाद में, सबसे पहले नबी के काम वाले। कह दो सबसे पहले कौन है, नबी के काम वाले। बरेलवी मसलक तुम भी नबी के काम वाले, देवबंदियों तुम भी नबी के काम वाले, अहले हदीस सलफी सैफी तुम भी नबी के काम वाले, कादरी सोहरावर्दी चिश्ती निजामियत तारी सोहरावर्दी नक्शबंदी सारे के सारे नबी के काम वाले। जो नबी के काम वाला वो हाथ खड़ा करे, नबी के काम वाले कौन कौन है सारे। फिर आज हाथ खड़े करके नियत कर लो, मरते दम तक इस काम को करेंगे, करते करते मरेंगे। कह दो इंशाअल्लाह, कह दो इंशाअल्लाह, कह दो इंशाअल्लाह। सारे मुल्कों के लिए जाने के लिए, चिल्ले चार महीने के लिए, साल अंदरून बैरून मुल्क लगाने के लिए, मेरे अजीजों मस्तूरात को जमात में ले जाने के लिए, दीन मेरी जिंदगी में जिंदा हो जाए, सारे आलम के इंसानों की जिंदगी में जिंदा हो जाए, मेरे अजीजों इसके लिए सारे आलम के अंदर फिरने के लिए कौन कौन तैयार है, एक दफा खड़े करके बताओ, होके बताओ, चिल्ले चार महीने के लिए कौन तैयार है, खड़े होके बताओ। माशाल्लाह, जिनको इस काम का खोजो, जो खड़े खड़े होके बताओ, खड़े होके बताओ, जो इस काम का मजा चखना चाहते हो चिल्ले चार महीने के लिए, सारे माशाल्लाह, सारे निकलोगे, सारे निकलोगे इंशाल्लाह। अल्लाह जजाए खैर दे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपने अपनी दुकानों पे लिखवा रखा है उधार नकद, बड़े शौक से उधार अगले शौक से, अल्लाह भी कह रहा है नकद भी कुछ दे के जा। इस जुमेरात से, जो आने वाली जुमेरात, अल्लाह के रास्ते में सरोजा कौन देगा मेरे समेत इंशाअल्लाह ताला। बताओ, तीन दिन अल्लाह के रास्ते, हाथ ऊंचे खड़े करके, ऊंचे खड़े करके, तीन दिन अल्लाह के रास्ते में, तीन दिन अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे इसी मस्जिद से इंशाअल्लाह ताला, निकलोगे इसी मस्जिद से। एक दो और हाथ खड़े कर दो, अल्लाह के रास्ते में निकलोगे, एक मुझे गिनने दो, जरा हाथ खड़े करना, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह हाँ जी उन्नीस, छोटे बच्चे बीस इक्कीस बाईस माशाल्लाह तेईस चौबीस होगी, दो जमातें निकलेंगी इंशाअल्लाह ताला, करोगे कोशिश। और आपके लिए खुशखबरी, साल की जमात भी इसी मस्जिद से गई, चिल्ले चार महीने की जमात आज जा रही है। इस जमात को रुखसत कर कर दुआएं दे दो, अल्लाह जहां जाए इनके कदमों की बरकत से अल्लाह दीन को फैला दे, आलम के अंदर जिंदा कर दे। और हर देखो भाई, हमने इंसान की आखिरत की भी रहनुमाई करनी है, हमने आखिरत में भी उनके लिए मदावा बनना है, दुनिया के अंदर भी बनना है। दुनिया के अंदर ये कि जैसे मैंने आपसे की के मुसलमान को तकलीफ यहां पहुंचे या बर्मा में, मुसलमान को तकलीफ जहां पहुंचे, मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो मेरे अजीजों, सैयद तलहा शाह साहब जामे मस्जिद ईदगाह से, जामे ईदगाह से तशरीफ लाए, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आले रसूल हैं, पक्के सच्चे आले रसूल हैं। बर्मा के उलमाए किराम साथ आए हैं, दो से तीन मिनट आपसे गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह सुन्नत पढ़ेंगे। अल्लाह खैर, बस से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात जो फेसबुक व्हाट्सएप अखबारात और टीवी से बाखबर हैं, देखते रहते हैं, बर्मा के अंदर वहाँ की बुद्ध मत हकूमत और बुद्ध मत फौज ने वहाँ के अरकान सूबे के रोहंगिया मुस्लिम कौम पर जो मजालिम ढाए हैं,
आप में से बहुत से लोगों ने देखे होंगे वो मंजर, मैंने वो वीडियो फिल्में अपनी आँखों से देखी हैं कि पूरी पूरी बस्ती को आग लगाई गई है और एक भी आदमी को जिंदा निकलने का मौका नहीं दिया, हजारों लोग बेवक जिंदा जला दिए। और यही नहीं, ये मंजर भी मैंने अपनी आंखों से देखा है कि माओ की गोदों से दूध पीते बच्चे छीने हैं और उसको आग पे डाल के उसको ऐसे भून रहे हैं जैसे चरगे को भूना जाता है। ये भी देखा है कि एक आदमी को पकड़ा, उसके कपड़े उतार दिए, फिर उसके हाथों की उंगलियों को एक बड़ी छुरी से काटा, फिर हाथ पूरा काट दिया, फिर यहाँ कोहनी से काटा, फिर कंधे से काटा, फिर दूसरा हाथ, बाजू, फिर एक पाँव, फिर दूसरा पाँव, फिर ये नहीं कि उसकी गर्दन पर छुरी चला के उसको कत्ल कर दे, नहीं, बल्कि हथौड़ी से कूट कूट के उसके चेहरे को पीस के रख दिया। एक आदमी को पकड़ के घसीट के सड़क के दरमियान में लाया और उसके ऊपर एक कार वाले ने आके कार चढ़ा दी। अब वो मस्क हो गया चेहरा, अभी मरा नहीं है। दूसरे मोटरसाइकिल वाले ला के उसके मुँह पर टक्कर मारी। तीसरे ट्रैक्टर वाले ने उसके मुँह पर ट्रैक्टर चढ़ा दी। यानी इस तरह जुल्मन कत्ल किया जा रहा है। सैकड़ों लाशें मैंने ऐसी देखी हैं कि जिनको उन्होंने किसी को खंभे पे लटका दिया, किसी को दरख्त पे लटका दिया और उनके पाँव के नीचे से रगे काट दी। हजारों लोग वहाँ से भागने के लिए किश्तियों में बैठे कि हम मुल्क छोड़ के भाग जाएं। पूरी पूरी किश्ती को उन्होंने जो है ना सबको मौत के घाट उतार दिया, कत्ल कर दिया सब। इस वक्त वहाँ बर्मा के अराकान सूबे के 15 लाख मुहाजरीन बांग्लादेश के अंदर आए हुए और 3.5 लाख से ज़्यादा बर्मा ही के अंदर वहाँ के पहाड़ी सरहदी इलाकों के अंदर पड़े हुए खैमों में। हमारे पाकिस्तान से हमारे उलमाए किराम, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुम, हज़रत मौला सलीमुल्ला खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौला ज़ाहिदुर राशिदी साहब, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब और दीगर बड़े अकाबिर उलमा वहाँ गए, उन कैंपों में उनका दौरा किया और उन मुसलमानों की हालत ज़ार देखी और वहाँ बर्मी उलमाए किराम पर मुश्तमिल एक तंजीम बनाई, एक इदारा बनाया खालिद इब्ने वलीद अल खैरिया ट्रस्ट के नाम से। इन्होंने वहाँ उनके लिए ताउन का काम शुरू किया। मैं हर साल खालिद इब्ने वलीद के जो अमीर हैं उनको टोबा टेक्सिंग दावत दिया करता था कि वो टोबे आए, हम कुछ ना कुछ ताउन उनके लिए करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पिछले सालों में कभी 6 लाख, कभी 6.5 लाख, कभी 5 लाख, जितनी अल्लाह ने तौफीक दी जमा करके उनको भेजा। मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो लोग हमारी ज़कात के, सदक़ात के, हमारी खैरात के, हमारे उशर के मुस्तहिक हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरा साल कभी देखते रहते हैं कि अगर कोई सही मुस्तहिक मिले तो मैं अपनी सारी ज़कात उसको दे दूँ। इस वक्त रूए ज़मीन पे इससे ज़्यादा हमारी ज़कात सदक़ात का और कोई मुस्तहिक नहीं है। और इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि पूरी कायनात में इनसे बड़ा मज़लूम भी कोई नहीं, सबसे बड़ी मज़लूम कौम ये है और ये आपकी इस ताउन के मोहताज है, ज़रूरतमंद हैं। उनके नुमाइंदे ये तशरीफ़ लाए हुए हैं, मौलाना मुफ्ती साहब ज़रा खड़े होकर ज़्यारत करा दें। ये बर्मी हैं, ये बर्मा के मुसलमानों के मुहाजरीन के नुमाइंदे हैं, ये तशरीफ़ लाए माशाल्लाह। ये जमा कराने शुरू हो गए, ले आए भी नकद ले आए, जिनकी जेबों में नकद ले आए, बाकी जुमे की नमाज के बाद कर लें, ले आए माशाल्लाह। तो आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, इन लाखों मुहाजरीन के अंदर इस वक्त ईसाई एनजीओज, ईसाई तंजीमें काम कर रही हैं और उनको खुराक, कुछ दवाएं, कोई कंबल, कोई खेमे उनको पहुंचा रही हैं। और इसके बदले में ईसाई उनसे क्या मांग रहे हैं? ईसाई उन मुसलमानों से कहते हैं, तुम ईसाई हो जाओ हम तुम्हें मकान बना के देंगे, तुम ईसाई हो जाओ हम तुम्हें मुस्तकिल खुराक देंगे। ईसाइयों ने जो खुद रिपोर्ट जमा कराई, लिखी है, शाया की है, उसमें उन्होंने बताया कि हमने अब तक 35,000 लोगों को ईसाई बना लिया है, नऊज़बिल्ला। तो मेरा और ये हजरात जो हैं ये हमारे इस ताउन से, इस फंड से दो काम करते हैं, एक तो ये कि उनके लिए खुराक भेजते हैं, को कंबलों का इंतज़ाम करते हैं, दूसरा ये उनके लिए मसाजिद बनाते हैं उन खैमों में, मसाजिद, मकतब, मदरसे, ताकि उनके बच्चों के ईमान महफूज हो जाए,
उन लोगों का ईमान महफूज हो जाए, वो ईसाई होने से बच जाए। ये मेरा और आपका तआवुन, ये उनके लिए उनके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का भी ज़रिया है। तो आप हजरात से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी दे दिया बहुत अच्छा, जिनकी जेबों में नहीं है घरों से ला के नमाज के बाद, यहाँ इंशाल्लाह 3:30 बजे तक मौलाना ठहरेंगे, जिनकी जेबों में नहीं है घरों से ला के दीजिए। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी और नासिर हो। और हदीस शरीफ में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना वकाफिलुल यतीमी का हाथ यौमल क़ियामा, ये देखिए मेरा हाथ उठा हुआ है, दो उंगलियाँ मिली हुई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह हाथ उठा के फरमाया कि जिस तरह ये दो उंगलियाँ जुड़ी हुई हैं, जो शख्स दुनिया में किसी यतीम की किफालत करता है, कल क़यामत के दिन वो मेरे साथ इस तरह जुड़ा हुआ होगा। यानी आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने साथ जन्नत में लेके जाएंगे। इन 15 लाख मुहाजरीन के अंदर हज़ारों यतीम बच्चे हैं, हज़ारों बेवाएँ हैं। तो आप हजरात से गुजारिश है कि इन अपने इन यतीम भाइयों, इन यतीमों, इन मिस्कीनों, इन बेवाओं और इन जले हुए दुनिया भर के मजलूम तरीन लोगों के लिए दिल खोल के दुआएं भी कीजिए नमाज के बाद, हर नमाज के बाद दिन में रात में इनके लिए दुआएं कीजिए। और इनके लिए दवा ये है कि भरपूर अंदाज से ताउन कीजिए। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी और नासिर हो। वाखिरु दावाना।